नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जानेंगे हम समुद्र मंथन कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के क्या कारण थे और लक्ष्मी जी का जन्म कैसे हुआ? दीपावली में तो हम सब लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता का जन्म कैसे हुआ ये शायद ही हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस संबंध में पुराणों में अत्यंत ही रोचक कथाएं मिलती हैं। वैसे लक्ष्मी एक वैदिक देवी हैं, जिनका वर्णन वेदों में सौंदर्य एवं शोभा की देवी के रूप में हुआ है, किंतु धन एवं ऐश्वर्य की देवी के रूप में इनकी प्रतिष्ठा बाद में हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड के 35वें अध्याय में लक्ष्मी उपाख्यान में उल्लेख आया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को चढ़ाया हुआ फूल प्रसाद के रूप में इंद्र को दिया। भगवान इंद्र ने उस फूल को हाथी के मस्तक पर रखकर अपमान किया। इसको दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा, और ये तो हम सब जानते हैं कि वो कितने जल्दी क्रोधित हो जाते थे और तुरंत श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित होकर इंद्र भगवान को श्राप दिया कि जिसके मस्तक पर ये पवित्र फूल रखा गया है वही प्रथम पूजा जाएगा, और तुम्हारी राजलक्ष्मी भी तुम्हारा त्याग कर देगी। दुर्वासा ऋषि के इस श्राप से इंद्र भगवान घबरा गए और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं लक्ष्मी के साथ उस घर में वास नहीं करता जो मेरे भक्त का अपमान करता है। यह कहकर विष्णु ने लक्ष्मी को क्षीर सागर में उत्पन्न होने की आज्ञा दी और देवताओं को लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन करने को कहा। तो समुद्र मंथन का एक प्रमुख कारण लक्ष्मी माता की प्राप्ति भी था, और दूसरा कारण पृथ्वी के निर्माण के लिए समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन से अमृत निकलने की उम्मीद थी, जिसे पीकर देवता और असुर अमर हो जाएंगे। क्या आपको पता है समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की रस्सी का इस्तेमाल किया गया था? लेकिन इस समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव शंकर ने पी लिया था, इसीलिए इन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। समुद्र मंथन में 14 रथ निकले थे और सबसे आखिर में मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जब इंद्र भगवान ने स्वर्ण कलश पर गणेश, दिनेश, अग्नि, विष्णु, शिव एवं पार्वती की पूजा की, तत्पश्चात लक्ष्मी का आह्वान ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए मंत्र से किया गया। इस तरह इंद्र ने ध्यान कर लक्ष्मी की पूजा की और ब्रह्मा द्वारा बताए गए मंत्र का 500,000 बार जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर लक्ष्मी माता प्रकट हुई और इंद्र ने पुनः उनकी स्तुति की। तब इंद्र भगवान की स्तुति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा किए गए इस द्वादशाक्षर मंत्र का जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन 3 संध्याओं में भक्ति पूर्वक जप करेगा वह कुबेर के सदृश ऐश्वर्य युक्त संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार इसके बाद यथा समय ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ और पूजन विधि का प्रचलन हुआ। आगे दीपावली पर हम ये भी जान लेते हैं कि कौन से आराध्य को कैसा दीपक पसंद है। जिस प्रकार से मनुष्य की भोजन की पसंद अलग अलग होती है, वस्त्रों की पसंद होती है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के लिए भी अलग अलग भांति भांति दीपक जलाने का प्रावधान है। हालांकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देसी घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु यदि उसकी बातियों की संख्या और दीप की धातु उस आराध्य की प्रकृति एवं पसंद के अनुरूप हो तो परिणाम श्रेष्ठ मिलता है। जैसे कि गणेश जी या लक्ष्मी जी या माँ भगवती को प्रसन्न करना है तो उनको घी का दीपक और मौली की बत्ती को उत्तम बताया गया है। यदि आपके पास घी नहीं है तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसी प्रकार यदि शत्रु का दमन करना है तो उसके लिए सरसों और चमेली के तेल का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। बातियों की संख्या भी देवताओं के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि भगवान सूर्य नारायण को 1 या 7 बातियों के दीपक से प्रसन्न किया जा सकता है, तो वहीं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए
नौ बातियों वाला दीपक श्रेष्ठ माना जाता है। अगर बात करें शिव जी और हनुमान जी की, वैसे तो भोले बाबा तो वहीं भोले बाबा सब में खुश हो जाते हैं, लेकिन शिव जी और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पांच बातियों वाले दीपक को उचित कहा गया है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना लक्ष्मी माता का उदय कैसे हुआ, समुद्र मंथन के क्या कारण थे, उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें और किस भगवान को कैसा दीपक पसंद है। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ हटके लगा होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबकी दिवाली बहुत बहुत मंगलमय हो। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम।